जिसके कहीं पहुंचते ही लोग अलर्ट हो जाते हैं, जिसके ना होने पर भी लोग तारीफ करते हैं, जिसको अपनी इज्जत करवानी आती है बिना किसी को दबाए, जिसको कोई खोना नहीं चाहता है जबकि वो बंदा बिंदास है, जिसके कॉन्फिडेंस की दुनिया फिदा है, ऐसा इंसान, ऐसा स्ट्रांग इंसान कैसे बने? जो मेंटली स्ट्रांग हो, जिसके अंदर बात करने की कला हो, जो सीधा पेड़ ना हो जिसको कोई भी काट सके, जो लोगों की लाइफ में इतनी वैल्यू एड करे कि लोग इसके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाए, जो एक अच्छा स्टोरी टेलर हो, जो लोगों को अपनी बातों से बांध लेता हो, ऐसा इंसान बनने की मेरी शुरू से इच्छा थी। ये मैंने बाय प्रैक्टिस अचीव करी है, आप भी कर सकते हो इन 7 हैबिट्स से, जिसमें से पहली हैबिट है मेंटली स्ट्रांग होना। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है आपके अंदर ये 4C है। 4C क्या है? पहला सी कंट्रोल, आप बाहर नहीं अंदर की दुनिया, अपने दिमाग की दुनिया को कितना कंट्रोल करते हो। दूसरा सी है कमिटमेंट, आप जो भी सोचते हो कि मुझे करना ही करना है वो आप कितना करते भी हो, जिससे दिमाग में खुद की एक अच्छी इमेज बने कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। तीसरा सी है चैलेंज, कितने आप चैलेंज लेते हो, कितने वॉरियर मेंटेलिटी वाला आप हो। और आखिर में चौथा सी है कॉन्फिडेंस, जो भी आप करते हो बिना डाउट में करते हो, जल्दी सीख लेते हो, जल्दी एग्जीक्यूट कर लेते हो। यही 4C पाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जो पा लेता है वो मेंटली स्ट्रांग होता है। इंसान 90% से भी ज्यादा दर्द अपने मेंटली वीक होने की वजह से फील करता है, बल्कि बाहर इतना दर्द होता नहीं है। मेंटली कमजोर होने की वजह से कई समझदार, होशियार, इंटेलिजेंट लोग पीछे रह जाते हैं। मेंटल टफनेस ना होने की वजह से वो बेवजह की बातों में उलझे रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं। एमी मॉरिन का एक बड़ा ही फेमस आर्टिकल है, 13 वो चीजें जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते हैं। इंटरनेट का ये काफी फेमस आर्टिकल है, 50,00,000 लोगों ने इसको पढ़ा है, और 2017 में मैंने भी इसके ऊपर वीडियो करी थी। वो 13 चीजें हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने हालातों पे रोते नहीं है, ये लोग दूसरों को अपना कंट्रोल देते नहीं है, बदलाव से डरते नहीं है, जो बदल नहीं सकते उसको लेकर के वो रोते नहीं है, किसी को भी कुछ कहने से डरते नहीं है, रिस्क लेने से डरते नहीं है, अतीत को लेकर के रोते नहीं है, गलतियां रिपीट नहीं करते हैं, दूसरों की कामयाबी देखकर इनकी जलती नहीं है, फेलियर से ये रुकते नहीं है, अकेले होने से ये डरते नहीं है, किसी से ये लोग उम्मीद नहीं लगाते हैं, और सबसे आखिर में ये कुछ भी करते हैं हाथों हाथ रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं रखते हैं। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप किसी को वक्त दे देते हो, उसके बाद में पछतावा करते हो, काश यार इस जगह में कुछ और कर लेता? तो ये मेंटली वीक होने की निशानी है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को पता है कि उनको कहां वक्त देना है, कौन से कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है, कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, कहां ना देना है, इनको आता है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को अपनी बाउंडेशन, लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। ये लोग पछतावा नहीं करते हैं और अपनी गिल्ट में नहीं रहते कि यार काश मैं ऐसा कर लेता, मेरा वक्त बर्बाद हो चुका है, काश मैं वैसा कर लेता। इन लोगों का क्लियर कट एक आंसर होता है, ये खाना है या नहीं खाना है, जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ये लोग मेंटली स्ट्रांग है। मेंटली स्ट्रांग होने का एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकती है उसके मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से। 40 साल के बाद में हर ईगल को एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना होता है, 40 साल के बाद में पंजे शिकार करने लायक नहीं होते हैं, कमजोर हो जाते हैं और लचीले नहीं होते हैं, तीखी और लंबी चोंच भी जो है वो काफी मुड़ जाती है, और पंख भी जो है वो मोटे हो जाते हैं 40 साल के बाद। हर ईगल के पास में ये ऑप्शन होता है कि या तो वो मर जाए 40 साल के बाद में, या फिर वो एक दर्द भरे बदलाव को एक्सेप्ट कर ले। वो दर्द भरा बदलाव क्या है? इस ईगल को 150 दिन तक पहाड़ पर जाकर तब तक अपनी चोंच को पत्थर से मारनी है जब तक उसकी चोंच निकलकर गिर ना जाए। जब पुरानी चोंच निकलकर गिर जाती है तब नई चोंच आती है, और नई चोंच से वो अपने पंजों को भी उखाड़ लेती है। जब पंजे उखड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं तो पंजों से वो अपने पंखों को नोच लेती है, और इस तरह से चोंच, पंजे और पंख तीनों नए आ जाते हैं। 150 दिन का ये एक दर्द भरा सफर इनको देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से इनको एक नई जिंदगी मिल जाती है। बारिश के वक्त सारे पंछी डर कर अंदर चले जाते हैं, लेकिन ईगल जो है वो बादल के ऊपर उड़ता है। रेजिलियंस का बेस्ट एग्जांपल ये है कि टेरी फॉक्स को ऐसा कैंसर हुआ कि घुटनों तक पैर को काटना पड़ा, पर ये तब भी आर्टिफिशियल नकली पैर लगाकर 42 किलोमीटर मैराथन भागे। इसके बाद में कैंसर की बीमारी के रिसर्च के लिए इन्होंने $1 मिलियन रेज करने के लिए पूरे कैनेडा में रनिंग की। लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, लोगों ने पैसा नहीं दिया, पर ये भागते रहे। रोज 48 किलोमीटर ये दूरी तय करते हैं, 5374 किलोमीटर भागे। तब तक इनका कैंसर काफी फैल चुका था, इनको रुकना पड़ा, लेकिन तब तक $1.7 मिलियन इन्होंने रेज कर लिए, और 1981 तक इन्होंने $24 मिलियन डोनेट करने के लिए, कैंसर के इलाज के लिए इन्होंने इकट्ठे कर लिए। इसके अलावा कई एग्जांपल मैंने लिए हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग है, जिम कैरी है, ओपरा विनफ्रे, अल्बर्ट आइंस्टीन, एंथनी अल्बनीज़, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। जेके रोलिंग के पास में पेपर्स तक नहीं थे हैरी पॉटर की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उस वक्त इन्होंने कैरी बैग पर अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी। दुनिया भरी पड़ी ऐसे एग्जांपल्स है जहां ये मिलता है कि मेंटली स्ट्रांग होना ही हर वक्त काम आता है। स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो फाइट करते हैं। रॉकी मूवी में सिल्वेस्टर स्टॉलन कहते हैं, इट एंड अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Elon Musk कहते हैं कि मेरे पास में 3 rockets fail होने की capital थी। जिसका मतलब ये कि इनको भी पता था कि मैं fail हो सकता हूँ। Mentally strong लोगों की fail होने की परिभाषा अलग होती है। Mentally strong लोग 10,000 बार fail होने की बात भी कहते हैं कि मैं fail नहीं हुआ हूँ। मैंने तो 9,999 रास्ते पता करे हैं जो काम नहीं करते हैं। ये लोग 1,009 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, अटेंशन।
आप उस इंसान को याद करो जो सबका ध्यान खींच लेता है, जो सबका दिल जीत लेता है। आपको मिलेगा ये लोग बात करते वक्त पूरे अटेंशन से बात करते हैं, ये लोग बार बार फोन चेक नहीं करते हैं, ये लोग बात करते वक्त इधर उधर नहीं देखते हैं, ये लोग बात के बीच में इररेलेवेंट बात अपनी घुसाते नहीं है, ये ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से बोलते हैं। आपने सुना होगा सामने वाले का नाम याद होना चाहिए, उसकी स्टोरी, उसका इंटरेस्ट, पर ये तब होगा जब आप अनडिवाइडेड अटेंशन से बात करोगे। इमेजिन करो 1,00,000 रुपए का सूटकेस है और वो पैसे आपको तब मिलेंगे अगर मान लो किसी पार्टी में गए हो, इवेंट में गए हो और आपको केवल 10 लोगों के नाम याद रखने हैं, तब आप मेमोरी एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब कि माइंड की कैपेसिटी तो होती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। एक अच्छा लीडर या स्ट्रांग मैन सबके बारे में जानता है। यूएसए मेमोरी चैंपियनशिप जीतने वाले रोन वाइट कहते हैं कि लोग नाम याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि आप सुनते नहीं हो। कोई आपको नाम बताते हैं लेकिन आप सेकंड्स में भूल जाते हो, तो ये मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है, ये फोकस प्रॉब्लम है। इस दुनिया में हर इंसान को ऐसे इंसान की जरूरत है जो अटेंशन से सुने और बाद में बात करे तो पूरे ध्यान से बात करे। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, किसी भी इंसान से मिलो तो पूरे ध्यान से मिलो, डे की एनर्जी में मिलो, डिवाइस साइलेंट करके बात करो जब इंपॉर्टेंट बात हो, या फिर बोलने से पहले आप सुनो, केवल जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए सुनो। सामने वाले की बात आप रिपीट कर सकते हो ताकि उसको लगेगा कि आप सुन रहे हो, बिना दूसरी बात सोचे आप सामने वाले को सुनो। आप उसका नाम रिपीट कर सकते हो ताकि नाम भी याद हो जाए और सामने वाले को अच्छा भी लगे। फिर आते हैं स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो बातों से किसी को भी अपना बना लेते हैं। अनजान इंसान से कई लोग बात कर नहीं पाते हैं, शुरू नहीं कर पाते हैं, स्पेशली कुछ लोग जब सामने वाला अपोजिट जेंडर हो। कॉन्वर्सेशन क्या है? कॉन्वर्सेशन बहुत अमेजिंग चीज है। जितने इंसान से आप मिलते हो उतनी आप किताब से मिलते हो, और जितनी आप बात करते हो उतने आपको पेजेस पता लगते हैं। हर एक बात एक पेज है। जब भी आप बात करते हो तो जितनी आप बात करते हो उतनी अपनी याददाश्त में पड़े पेजेस की इन्फॉर्मेशन से आप लिंक करते हो। तो जितने आप लोगों से मिलोगे उतने लिंक्स कनेक्ट होंगे और दिमाग में एक मैसिव वर्ल्ड वाइड वेब बन जाएगा कॉन्वर्सेशंस का। बात करने की ये ताकत है कि ये वॉर करवा सकता है और वॉर रुकवा सकता है, ये किसी कंट्री में अशांति फैला सकता है और शांति भी ला सकता है, देश आजाद करवा सकता है और गुलाम भी बनवा सकता है बातों से, चाहे वो काम सामने वाले से करवा सकता है। हर इंसान जो आपका अपना है वो एक दिन आपके लिए स्ट्रेंजर था। हर लव मैरिज की शुरुआत होती है हेलो से। हर एक फाउंडर जिसने किसी के साथ मिलकर के बड़ी कंपनी बनाई उसकी शुरुआत हुई थी हेलो से, शुरू की बात करने से। तो आपको फर्स्ट कॉन्वर्सेशन बेहतरीन करनी है, और फर्स्ट कॉन्वर्सेशन अच्छी करनी बहुत ही आसान है। आप बस रियल बनो, कॉन्फिडेंट रहो, कुछ भी रट कर मत जाओ, याद करके मत जाओ, जो है वो रहो। आप खुद को आप परफेक्ट मत बनाओ, आपकी जो कमियां हैं गलतियां हैं बता दो। ये चीज शाहरुख खान बहुत अच्छी करते हैं। अगर उनकी कोई कमी है कोई गलती है बड़े अच्छे से वो रखते हैं कि मैं भी इंसान हूं मेरी भी कमी है। हर एक इंसान आपके सामने आता है एक अपॉर्चुनिटी की तरह, आप ग्रैब करते हो या नहीं। अगर कोई इंसान ये बात मान के बैठ जाए कि अनजान इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, तो इस दुनिया में इतने फाउंडर्स साथ में मिलकर के इतनी कंपनीज नहीं बना पाते। स्ट्रांग लोग जो होते हैं उनके कनेक्शंस होते हैं, नेटवर्क बना पाते हैं, और नेटवर्क कैसे बनते हैं जब आप बातें अच्छे से करते हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम से आप इस वीडियो से ये लेकर जाना कि किसी भी इंसान से आप बात करना चाहते हो तो बोल दो। अगर आपको वाइब आती है बात करने की, बोल दो भाई क्या हाल है, भाई क्या आप यहीं रहते हो, क्या आपकी ये सिटी है, क्या आपका ये टाउन है, अरे भाई आप क्या करते हो, भाई आप ये काम करते हो, भाई आप वीडियो बनाते हो, भाई आपकी क्या बॉडी है, कब से जा रहे हो जिम। वैसे बॉडी का कॉम्प्लीमेंट फीमेल्स को नहीं देना अगर आप मेल हो। दिक्कत बस ये है कि हम कुछ कहना चाहते हैं हमारे गले तक बात अटक जाती है। हम कहना तो चाहते हैं कि यार कह दो, स्टार्ट कर दो क्या बात, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। बस बोल दो आप, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, या तो बात होगी बहुत लंबी या बिल्कुल ही नहीं होगी, तो वो सामने वाला मार थोड़ी देगा आपको। लोग मार खा के मुझे कमेंट में गालियां ना लिख दे। और अगर बात शुरू हो गई तो आपकी जिंदगी की एक नई किताब शुरू हो गई। अभी भी सब कुछ इंटरनेट पर नहीं है, आपको जो ऑफलाइन पता लगता है लोगों से मिलके वो आपको ऑनलाइन नहीं पता लग सकता। जब आपके मुंह से फर्स्ट वर्ड निकल जाता है तब बात जाने में घंटों तक जाएगी, नहीं जाने में 2 सेंटेंस में रुक जाएगी। अब इतने समझदार तो आप हो ही कि सामने वाला बात आगे ले जाने में इंटरेस्टेड है या नहीं, बाकी अगर हद कर लेते हो तो वो आपका रिस्क है। फिर बात आती है इंग्लिश में बात करने की। लोग यहाँ पे वो अटक जाते हैं कि यार सामने वाला बड़ी सही इंग्लिश बोल रहा है, मैं बोल नहीं पाता। जब तक आप ये मान के बैठे हो ना कि यार इंग्लिश बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, तब तक आप इसको सीख नहीं पाओगे। बहुत ही आसान है, जैसे आपने हिंदी सीखी है वैसे सीखनी है बस। ना किताब पढ़ के सीखोगे ना वीडियोस देख के सीखोगे, ये आप बोल कर ही सीखोगे। कई बार होता है ना कि चैटिंग कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। इसके लिए आपको देखो प्रैक्टिस में आना होगा, आपको एनवायरमेंट के अंदर आना होगा जहां पर लोग इंग्लिश बोलते भी है और सुनते भी है। तो इसके लिए आप दोस्तों को बोल सकते हो आज से हम इंग्लिश की डाइट लेंगे। इंग्लिश की डाइट लेने का मतलब ये कि आज से जो भी बात करेंगे हम इंग्लिश में करेंगे। एक एनवायरमेंट आप खुद से बना सकते हो, या फिर सोशल मीडिया में आप किसी फॉरेनर से दोस्ती कर लो, उसे बात करो इंग्लिश में। मैंने उनकी इंग्लिश काफी तेजी से अच्छी होती देखी है जो फॉरेनर्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, मैनेजमेंट, जो भी काम करते हैं उनकी इंग्लिश काफी कम वक्त में सही हो जाती है क्योंकि वो रेगुलर बात कर रहे हैं। पर इसका भी सॉल्यूशन है, एक ऐप है जिसका नाम है कैम्बली। यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, उन स्टूडेंट से भी बात कर सकते हो जो आप ही की तरह इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं, आप उनसे बात करो। आप इंग्लिश के ट्विटर से बात कर सकते हो कोई भी टॉपिक पर, वो आपको बताएगा कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, क्या गलतियां कर रहे हो, क्या चीजें हैं, वो आपको करेक्ट करेंगे। एक टेस्ट करने के लिए मैंने भी एक ट्विटर से इंग्लिश में बात करी, देखने के लिए कैसा ये काम करता है। हेलो, आई लिव इन इंडिया। ओह वेरी गुड, या एंड हाउ इज योर डे टुडे?
आपको भी अगर ये ट्राई करना है तो कैम्बली पर अभी 60% डिस्काउंट चल रहा है। लाखों लोगों ने यहाँ से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी है। वन मंथ ग्रुप क्लास की प्राइस है 2378 रुपीज, पर अगर आप कूल 999 कूपन एंटर करोगे तो हो जाएगा 999। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं वो लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करते हैं। मैं किसी से भी मिलता हूँ, उनके करियर में कोई ना कोई वैल्यू एड करता ही हो, चाहे वो यूट्यूब की बात हो, डिजिटल मार्केटिंग की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, बिजनेस की बात हो, हेल्थ एडवाइस हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, किसी भी फील्ड का बंदा हो, अगर उसने मेरे को कॉल करा है तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी लाइफ में वैल्यू एड करता ही हूँ। और अगर आपके पास में कुछ देने के लिए है नहीं, यानी कि कोई नॉलेज कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए है नहीं, तो ये भी एक तरह का वैल्यू एड करना हो गया कि आप उसकी तारीफ कर लेते हो, एक ऐसी तारीफ जिससे उसके काम की क्वालिटी बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे बोल दे कि भाई तू बहुत अच्छा लिखता है, तो अगली बार से मैं जब भी लिखने बैठूंगा मेरी क्वालिटी और बढ़ जाएगी, तो उसने मेरे लाइफ में वैल्यू एड कर दी। और वैसे अगर आपको कोई चीज पता नहीं है तो एक मिनट भी नहीं लगता है गूगल से वो पता करके बताने में। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे को नहीं पता हुआ चीज, मैं गूगल करके बताता हूँ, वो सामने वाले को लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जैसे कोई डॉक्टर बताना है, पता बताना है, घर ढूंढना हो, अच्छी कोई डिश बतानी हो, गिफ्ट प्लान बताना हो, कोई ऑप्शन बताना हो, टूल बताना हो, सॉफ्टवेयर बताना हो, ट्रिक्स बतानी हो, कुछ भी बताना हो, मेरे को सिर्फ एक मिनट लगती है, मैं सामने वाले को बता देता हूँ सर्च करके, सामने वाला सोचता है मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो गई। पावरफुल लोग जो होते हैं ना, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करते रहते हैं, और जब ये इनकी हैबिट बन जाती है तब ये इनके काम में भी दिखती है। अब दुनिया के किसी भी अमीर आदमी को देख लो, उनकी ये हैबिट है, वो लोगों के लिए हमेशा कुछ करना चाहते हैं। जेफ बेजोस, वो चाहते थे कि घर बैठे ही लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर दे किताबें और उनको मिल जाए। किताब से शुरू करा, अमेजन पे आज सब मिलता है। इलॉन मस्क, सबसे पहले पेपल बनाया, फिर टेस्ला, फिर इलेक्ट्रिक कार, मतलब इन्होंने इतनी चीजें बना ली है जो ह्यूमन के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स है। इनका वैल्यू एड करने का तरीका यह है कि इंसान की पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे पर्सनल फेवरेट स्टीव जॉब्स, इन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट्स से लोगों की लाइफ में बहुत वैल्यू एड करी है। ये वैल्यू एड करना इनके अंदर होता है, तब जाकर के वो काम के अंदर भी दिख जाता है। और जब आप वैल्यू एड करते हो ना, तब ना केवल आप दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हो, बल्कि आप अपने लिए भी अच्छा कर रहे हो। आपको एक फुलफिलमेंट वाली फील आती है, एक लगता है कि लोगों की हेल्प करिए। उसके बाद जो एक हैप्पीनेस फील होती है ना, वो और दूसरे काम से फील आप नहीं कर सकते। दूसरा, आपका पता लगता है कि यार आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या दे सकते हो लोगों को, जिसके बाद में वो खुश रहते हैं, आप उसके अराउंड एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। कुल मित्र शुरू करने से पहले भी मेरे साथ होता था कि लोग कहते हैं यार तू बड़ा सही बात को समझाता है, तब जाकर के मेरे को लगा कि मेरे को चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तीसरा है कि वैल्यू एड करने से आपकी वेल्थ बनती है, आपकी सक्सेस बनती है, आपकी हैप्पीनेस बनती है, आप अपनी लाइफ में आगे जाते हो। ज़िग ज़िग्लर कहते हैं कि इफ यू हेल्प अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट, अगर आप लोगों की मदद करते हो जो उनको चाहिए उसमें, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू नीड इन लाइफ, आपको सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। वैल्यू एड करने के भी कुछ इफेक्टिव तरीके होते हैं जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। आप सामने वाले के दिल में जगह बनाते हो जब उसकी लाइफ में सक्सेस की जगह बना लेते हो। वो तरीके क्या है, आप उनको स्किल्स याद दिला सकते हो कि भाई तू ये कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है, ये एक वैल्यू एडिंग है। आप उनको खुश कर सकते हो अगर आपका ह्यूमर अच्छा है। उनकी कोई प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी उनको लग रही है, उसको छोटी करके दिखा सकते हो। उनको कोई टास्क है जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आसान करके बताओ कि भाई ये तो कुछ नहीं है, तो ज्यादा सोच रहा है। कोई चीज आपके सिखाने से उनकी लाइफ आसान हो जाती है, तो आप उनको सिखा सकते हो। उनके हेल्थ, करियर, फैमिली की इनसिक्योरिटी के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो उनको याद दिला सकते हो कि भाई देख तू ये कर सकता है, तेरे को आता है लेकिन तू कर नहीं रहा है। फाइनेंस में आप सेविंग इन्वेस्टमेंट की सलाह दे सकते हो जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे। जैसे कि होता है ना, किसी के कहने पे लोग जमीन ले लेते हैं और उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो वो कहते हैं भाई तूने बहुत सही सलाह दी थी। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसका लुक अच्छा नहीं है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो कि कैसे वो अच्छा दिख सकता है। अगर वो मीटिंग में जाता है तो कैसे जाना चाहिए, कैसे कपड़े पहने चाहिए, कैसे बाल रखने चाहिए। जैसे कि पहले मैं ध्यान नहीं रखता था, तो बड़े भाई ने मेरी लाइफ में ये वैल्यू एड करी कि उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे कपड़े पहनने। आप उनकी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो, एडिट करके उनको भेज सकते हो। जब मैं 10 साल पहले फोटोशॉप सीख रहा था, तब रिलेटिव्स में काफी कपल्स की नई नई सगाई होती थी, तो मैं ऐसे ही एडिट करके उनको भेज देता था। वैल्यू एड करने के लिए और क्या है, आप उनको वेबसाइट बता दो कोई, जिससे उनका काम आसान हो जाए, कोई टूल, कोई हैक। मुझे कोई इंसान आईटी से रिलेटेड दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है, सॉल्यूशन लेकर ही जाता है। अगर वो मुझे नहीं आता है तो मैं कॉन्टैक्ट से करवा लेता हूँ, और इसी वजह से आईटी में मेरे बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। वैल्यू एड करते हो, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, स्ट्रांग बनते हो अपने फील्ड में। आप लोगों को बेस्ट जगह बता सकते हो घूमने के लिए, फैमिली के साथ ट्रिप पे जाने के लिए, काफी जगह मूवीज बता सकते हो, सीरीज बता सकते हो। अगर कोई इंसान टेंशन में है तो उसको क्या देखना चाहिए, अगर उसको मोटिवेट होना है, अगर उसको रिलैक्स करना है, अगर उसको टाइम पास करना है, आप उनको मूवीज बताओ, सीरीज बताओ, जिसको देखकर वो आपको याद रखेगी यार क्या बताया है। ऐसा बहुत बारी हुआ है मैंने कोई अच्छी मूवी बताई है, उनके लिए वो लाइफ चेंजिंग बनी है। एक अच्छी मूवी माइंड सेट चेंज कर सकती है। और ऐसे कही है, मेन मुद्दा यह है कि आपको लोगों की मदद करनी है ताकि लोग आपको छोड़े ना यार। स्ट्रांग लोगों को कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये हर वक्त काम आता है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर, क्या चीज है जो आपको नहीं करनी है, क्या करने से लोग आपसे नफरत करेंगे, क्या चीज आपको कमजोर बनाती है, क्या करने से लोग आपसे दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे। देखो, हर इंसान का अपना ईगो होता है। ईगो जरूरी भी है जब तक वो आपके सेल्फ स्टीम, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी इंपॉर्टेंस को सपोर्ट करता है, पर ज्यादा होने पर लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं और आप भी कमजोर हो जाते हो। तो डिफाइन कैसे करें कितना ईगो सही है और कितना ईगो आपको वीक कर रहा है। अगर आपके अंदर ये होता है तो समझ लो कि इतना ईगो खराब है। क्या है, अगर हर वक्त आपको राइट होना पसंद है कि मैं तो मैं ही सही हूं, अगर आपको किसी के फीडबैक, ओपिनियन, एडवाइस पसंद नहीं है कि भाई तू मेरे को मसीह का, अगर आप हार जाते हो तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ। अगर कोई इंसान कोई ढंग का कर ले तो आप सहन नहीं कर पाते हो, आपके अंदर जेलसी है। अगर आप बस किसी भी हाल में जीतना चाहते हो, चाहे
चाहे नुकसान झेलना पड़े लेकिन जीतना है। अगर आप बात करते वक्त जंप करके अपने आइडियाज लेके आते हो, चिल्ला के अपनी बात बोलते हो, सामने वाला क्या कह रहा है उसकी समझ नहीं आ रही आपको बात, अगर आपके पास में जो भी है उसमें आप इनसिक्योर फील करते हो, आपको लगता है कि और पाना है और पाना है और अचीव करना है और कमाना है ताकि आपकी ईगो खुश होती रहे। ईगोइस्टिक इंसान को ना तो कोई इंसान पसंद करता है ना ही खुदा पसंद करता है। एक स्ट्रांग इंसान का कॉन्फिडेंस हिलता नहीं है जब सामने वाला जीत लेता है। अगर वो हिल जाता है इसका मतलब है कि ये ईगो में फंसा हुआ है। मैं जितने बड़े इंसान से मिलता हूँ उतना ये पाता हूँ कि वो इंसान हम्बल है, और जितने छोटे इंसान से मिलता हूँ उसके अंदर ईगो भर भर के होता है। तो ये मेरा एक स्केल है जो मैं लेके चलता हूँ और हर वक्त काम करता है। अब क्या चीजें हैं जो स्ट्रांग लोग करते हैं, ये तो मैंने बताया कि क्या नहीं करते। अब आ जाते हैं छठे पॉइंट पे। स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो ये चीजें करते हैं। क्या करते हैं? वो लोग कांग्रेचुलेट बहुत अच्छे से करते हैं जैसे उनका भाई आगे जा रहा है। वो खुश होते हैं, जेन्युइनली खुश होते हैं। किसी चीज में अगर दुख है तो ये एडमिट करते हैं कि ये हर्ट करता है। ये मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात मानते नहीं है, ये कहते हैं कि है जो है। इनको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हर बार अप्रूवल लेने जाते हो कि यार ये मेरी बात सही है, क्या ये मैं कर रहा हूँ सही है या गलत है, तो ये ईगो प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको चाहिए तारीफ, जिससे खुश होती है ईगो। स्ट्रांग लोग तारीफ के पीछे नहीं भागते हैं। अगर आप तारीफ के पीछे भागते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर बुराई भी कर ली जाए तो आप परेशान हो जाओगे। ये लोग ब्लेम नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते किसी भी चीज की या किसी इंसान से। ये लोग ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते कि तुम यही करते आयो, तुम ऐसा ही करते आयो, तुम शुरू से ऐसा करते आयो। ऐसी भाषा की निशानी है वो इंसान मेंटली वीक है। सबसे आखिर में पॉइंट है, स्ट्रांग लोग बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं। मेरे बड़े भाई बहुत ही शानदार स्टोरी टेलर है, इसलिए मैं उनको 3-4 घंटे तक सुन लेता हूं, टाइम जाता है पता ही नहीं लगता है। और इसीलिए उनके बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरे टाउन में कोई भी काम होता है वो करवा लेते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं है। स्टोरी टेलर कॉन्टैक्ट्स बनाता है, इसको कोई खोना नहीं चाहता है। ये एंटरटेन भी करता है, ये वैल्यू एड भी करता है। आप कोई भी धर्म देख लो, पहली से 12वीं क्लास के स्कूल देख लो, कॉलेज देख लो, दुनिया की कोई भी किताब देख लो, कोई भी इंसान जो अच्छा बोलता है, कहानी आपको हर जगह मिल जाएगी। और मैं भी अपनी वीडियोस में करता हूं, आपने देखा होगा मैंने ईगल की स्टोरी सुनाई थी इस वीडियो के बीच में। स्टोरी टेलिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। हर स्टोरी में कैरेक्टर होता है, वो कुछ करना चाहता है, ऑड्स आते हैं, परेशानी आती है, रुकावट आती है, देन वो कर लेता है। और वो जिस वजह से जीत जाता है वो वजह इंस्पिरेशन बन जाती है लोगों के लिए। बस ये टेम्पलेट होता है हर कहानी का। एक स्ट्रांग लीडर जो होता है वो कहानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, एंगेज कर सकता है। कहानी में इतनी ताकत होती है कि आप किसी को रुला सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो, डरा सकते हो। कहानी में बहुत इमोशंस होते हैं। एक अच्छी कहानी सुनाने का तरीका ये होता है कि आप सामने वाले का जो दर्द है ना, तो कहानी ऐसी ढूंढो कि उस कैरेक्टर का भी वही दर्द हो और वही गोल हो, सामने वाला उसको रिलेट कर देगा। इसके अलावा बोलते वक्त आप कम वर्ड्स यूज करो, क्लियर बोलो, शॉर्ट में बोलो। मेरा भाई अभी कहता है कि समझदार को इशारा काफी है और बच्चे को गुब्बारा काफी है। कहानी को इतनी भी मत घुमा बोलते वक्त कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि बात शुरू कहां से हुई थी। अगर कोई आपका खास आदमी है तो आपके पास में एक बड़ा हथियार है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर कर दो। पर्सनल लाइफ की स्टोरी का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि सामने वाला वो बात मान ले। जैसे कि हमारे पेरेंट्स करते हैं, पैसों की कमी से कहानी हो, जब कोई हेल्थ की बात बतानी हो तो वो अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर करते हुए बताते हैं और हम बात मान भी लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मानते नहीं है फिर भी। कहानी बताना और स्टोरी टेलिंग करना दोनों में छोटा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि कहानी तो कहानी होती है, कुछ भी हो रहा है उसके अंदर, लेकिन स्टोरी टेलिंग में ये होता है कि सामने वाले की इमोशन को बराबर तरीके से मैच करके बोली जाती है, बस इतना फर्क है। और सबसे आखिर में कहानी आप मिडल में शुरू कर दो, फिर आप बैकग्राउंड दे दो। जैसे कि काफी मूवीज में होता ना कि सीधी बीच में स्टार्ट हो जाती है, कत्ल हो गया सीधा, पता ही नहीं क्यों कत्ल हो रहा है, फिर बाद में बताते हैं कि भाई ऐसे से हुआ था। तो आप ऐसे कहानी सीधी मिडल में शुरू कर सकते हो ताकि उसका ध्यान आपकी बातों में आ जाए। कहानी सुनाना पूरी और वो ध्यान से सुन ले, ये भी तो आपका गोल है। चलो, ये थी एक स्ट्रांग इंसान की 7 हैबिट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इंग्लिश बोलकर सीखनी है तो Cambly का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसके अलावा आप मेरी ये दो वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये दो वीडियोस भी पसंद आएगी। मेरा चैनल विजिट करके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।